बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपने ही बेटे को जेल से बाहर निकलवा पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। शाहरुख और आर्यन के वकील ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए दिन रात एक किए हुए थे, लेकिन बुधवार को ये जमानत याचिका सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी। एनसीबी के सामने आर्यन के वकील के सारे दाव फेल होते हुए नजर आए। बुधवार को जज ने अपना फैसला सुनाया और आर्यन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब आर्यन को वापस आर्थर रोड जेल ले जाया गया है, फिलहाल उन्हें वहीं रहना होगा। आर्यन के साथ साथ उनके दो दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को भी जेल भेज दिया गया है। अब खबर आई है कि सेशंस कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए आर्यन खान के वकील हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं। पहले आर्यन के फैसले की डिटेल कॉपी का इंतजार हो रहा था। कहा जा रहा था कि जैसे ही फैसले की डिटेल्ड कॉपी आ जाएगी वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे, और अब खबर मिल रही है कि बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए हैं आर्यन के वकील। आर्यन के वकील का ये भी कहना था कि कंसेप्शन के केस में बेल आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हो पाया है। जल्द ही सेशंस कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेंगे, और लीजिए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख कर भी लिया है। हालांकि आपको ये बता दें कि आर्यन को अब तब तक तो जेल में ही रहना होगा। सूत्रों की माने तो आर्यन जेल में काफी टेंशन में रहते हैं, वो ठीक से खाते पीते नहीं हैं, उनके लिए जेल में पल पल गुजारना मुश्किल हो रहा है। खैर, शाहरुख और आर्यन के वकील के पास हाईकोर्ट जाने के अलावा कोई चारा बचा भी नहीं था। बता दें, एनसीबी ने कोर्ट के सामने दलील रखते हुए कहा कि इस केस की जांच बाकी है, इंटरनेशनल लेवल पर इसका कनेक्शन हो सकता है जिसको लेकर पड़ताल की जानी चाहिए। इसके बाद आर्यन के वकील ने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन कोर्ट ने एनसीबी की दलीलों को मानते हुए 14 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को फैसला आया तो आर्यन समेत पूरे परिवार को बड़ा झटका लगा। खैर, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।